तो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नए वीडियो में गाइस मैं आपको सिखाने वाला हूं इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग में जो मैं गाइस कुछ बैकग्राउंड पिन जिसका यूज करने वाला हूं, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने बाद जगह डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस, फोटो एडिटिंग अगर आपको सही में अच्छी लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करना, जिससे गाइस की कमेंट पढ़ के जो एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो लाने में भी ज्यादा काफी अच्छा लगता है, तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर करना। बाकी चले गए आज की इस नई वीडियो को, हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया आप सभी को। सो आप लोग उसके बाद जाना ऐड फोटो में, यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइस, यहाँ पे जैसे आप अपने मॉडल को ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे जो बीच में जो मतलब कि विंडो टाइप का जो मैंने यहाँ पे बनाया है आपको सिंपली वहाँ पे रखना है। देन आपको जहाँ पे आपको डुप्लीकेट करना अपने मॉडल का, देन उसको लेकर जाना यहाँ पे एफएक्स वाले ऑप्शन में। देन आपको कलर्स में जाना, कलर्स में जाने के बाद आपको ब्लैक एंड वाइट वाला फिल्टर लेना है, उसके बाद इसका डार्क कर देना है। देन एक डुप्लीकेट बना के आपको साइड में रख लेना है, ठीक है? वो क्यों रखना वो मैं अभी बताऊँगा आपको। बाकी जो पहले वाला है उसको आपको सिंपली इरेज़र टूल में जाकर आपको हल्का सा पैरों के नीचे से पेंट करना है, ताकि जो शेडो जब बनाओगे ना यहाँ पे तो एकदम मतलब कि रियलिस्टिक सा लुक आएगा। तो अभी इतना करना है आपको। फिर जो दूसरे वाला आपको सिंपली इसको वहाँ पे सेम साइज में रखना है। देन उसके बाद इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद आपको नेगेटिव वाला ऑप्शन लेना है। देन आपको इसको मर्ज करना है। आपको सभी को जो यहाँ पे कलराइज में जाकर ऑप्शन लेके, एंड उसके बाद इरेज़र टूल में जाके आपको जो यहाँ पे ब्रश लेना है। ब्रश को लेने के बाद जो आप सभी को सिंपली साइड साइड में जो रिम लाइट क्रिएट करनी है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं फटाफट से रिम लाइट क्रिएट कर दूँ, देन आपको बताता हूँ उसके बाद आपको क्या करना है। ओके गाइस, सो इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, आपको जहाँ पे सिंपली ऐड फोटो में जाना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड ऐड करना है। देन उसके बाद आप सबको सिंपली यहाँ पे फुल स्क्रीन करना है, एंड उसके बाद इसे मूव डाउन कर देना है, एकदम लास्ट में पहुँचा देना है। फिर उसके बाद इरेज़र टूल में जाना है, इसको इन्वर्ट करना है, आपको ब्रश लेना है। ब्रश को लेने के बाद जो आप सबको सिंपली अपनी पैरों के नीचे जो शेडो क्रिएट करनी है, ठीक है? यहाँ पे मैं गाइस रफली बना रहा हूँ, अगर आपको एकदम डिटेल में समझना है कि शेडो किस तरीके से बनाई जाती है तो आप लोगों को जो एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने एकदम डिटेल में समझा रखा है कि शेडो आपको किस तरीके से बनानी चाहिए, ठीक है? तो बाकी हमारी जो यहाँ पे ओपेसिटीज को कम रख लेंगे, बाकी जो इतना है हमारा यहाँ पे काम हो चुका है। बाकी अब आप सबको क्या करना है, यहाँ पे अब आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे जो हम क्या करेंगे सिंपली यहाँ से इसको फोटो को डन कर लेंगे, एंड उसके बाद जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद हम यहाँ से नियॉन स्वॉर्ड को ऐड करेंगे, ठीक है? एंड इसको ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पहले हम साइज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? इसको जिस तरीके से जो है साइज को यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम जो इसकी ओपोसिटी वगैरह कम करके चेक करेंगे कि फोटो मतलब कि एकदम आया कि नहीं आया अच्छे से, ठीक है? तो बाकी यहाँ पे परफेक्ट है। बाकी इरेज़र टूल में जाएंगे, इन्वर्ट करेंगे, ब्रश लेंगे। ब्रश को लेने के बाद जो हम यहाँ पे ऐसे पेंट करेंगे, ठीक है? हमें मतलब कि जहाँ तक चाहिए होगा वहीं तक पेंट करेंगे इसको, ठीक है? इस तरीके से। देन जो ये वाला पार्ट है हमारा यहाँ से परफेक्ट है, ठीक है? तो इतना हो गया हमारा। अब जो है हमारा पूरा इसको फिल कर लेते हैं, जहाँ से हमें जहाँ जहाँ का पार्ट चाहिए इसका हम पूरा फिल कर लेते हैं यहाँ से। परफेक्ट है गाइस यहाँ पे, ठीक है? तो अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे, ठीक है? डुप्लीकेट क्यों कह रहा हूँ गाइस मैं बताता हूँ आपको। सिंपली साइज सेम साइज में रखना है, एंड उसके बाद आपको मूव डाउन कर देना है। इरेजर टूल में जाना है, इरेजर लेना है, एंड उसके बाद जो ऊपर का जो एरिया है सब कुछ इरेज कर देना है आपको, ठीक है? इरेज कर दिया अपने। अब आप सभी को करना, आप इसको अप कर देना है। अब जो आपका पहले वाला था ना उसको लेना है, एंड उसके बाद आप सबको सिंपली ब्लेंडिंग मोड में जाना है, इसको स्क्रीन कर देना है। अब देख सकते हो गाइस कितना फर्क आके पहले से है ना। तो बाकी आपको सेम चीज़ यही करना है, देन उसके बाद आपको कर देना है डन। अब गाइस इतना हो जाने के बाद जो है आप लोगों को क्या करना है, आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना है आप सभी को यहाँ पे ये टेक्स्ट पीएनजी, ठीक है? तो अगर आप चाहो तो ये यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है, ठीक है? आप चाहो तो ऐड यूज़ कर लेना, बाकी अगर नहीं भी करोगे तो आपको लगेगा अच्छा, बाकी आप ऐड करते हो तो और भी अच्छा लगेगा, ठीक है? तो बाकी आपके ऊपर है। तो बाकी हम इसको डन करते हैं, एंड उसके बाद ऐड फोटो में जाके एक लाइट का पीएनजी लेंगे। जैसे गाइस आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा पीछे की साइड में जो ये बैकग्राउंड है उसमें मतलब ये व्हाइट कलर की लाइट्स ही है यहाँ पे, है ना? तो इसको हम यहाँ पे ऐड करके जो है यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका जो ओपेसिटी है इसको हम कम रख लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे परफेक्ट है। अब इसको हम कर लेते हैं डन। अब गाइस इतना हो जाने के बाद हमारा जो यहाँ पे पिक्सल का काम है सब खत्म होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, सो सिंपली सेव कर लेंगे, इसको लेकर चलेंगे लाइट रूम ऐप में, क्योंकि रीटच करके जो हमें फोटो को और भी ज़्यादा अच्छी बनानी है। तो लाइट रूम ऐप में हमने ऐड कर लिया फोटो को। अब क्या करेंगे, हम जाएंगे इस लाइट वाले ऑप्शन में। पहले क्या करेंगे, हम इसका जो कॉन्ट्रास्ट है इसको इंक्रीज करेंगे, ठीक है? फिर इसका जो हाईलाइट है इसको थोड़ा सा कम कर देंगे हम यहाँ पे, ओके? सो इसके बाद क्या करेंगे, शेडो जो है शेडो को हम जो है यहाँ पे हल्का सा माइनस की तरफ रख लेते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद जो हम वाइट को जो है इंक्रीज़ कर लेंगे थोड़ा, एंड जो ब्लैक्स हैं ब्लैक्स को थोड़ा सा कम कर लेंगे। फिर उसके बाद चलेंगे यहाँ से कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद यहाँ से हम थोड़ा वाइब्रेशन बढ़ा देंगे, एंड उसके बाद जहाँ पे टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देंगे। फिर चलेंगे मिक्स में,
मिक्स में जाने के बाद यहाँ से लेंगे ऑरेंज कलर, इसका जो लूमिनस है हम इसको बढ़ा देंगे एंड जो सेचुरेशन इसको थोड़ा कम कर देंगे। फिर इसके बाद करेंगे यहाँ से ले लेंगे हम येलो कलर, येलो कलर जो इसका सेचुरेशन थोड़ा सा माइनस कर सेचुरेशन हल्का सा माइनस रखेंगे एंड जो ह्यू है इसको प्लस की तरफ रखेंगे। यहाँ से डार्क ब्लू में चलेंगे एंड यहाँ से जो हम ल्यूमिनस को जो है इंक्रीज कर लेंगे। एंड बाकी गाइस यहाँ पे आप डार्क ब्लू देना चाहते हो अपनी फोटो को, स्काई ब्लू देना चाहते हो, जो मर्जी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो ब्लू कलर से, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे इसका सेचुरेशन भी इंक्रीज कर लेंगे थोड़ा एंड उसके बाद चलेंगे यहाँ पे पर्पल कलर में, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे यहाँ से हम जो इसका ह्यू है उसको यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे एंड उसके बाद जो है इसका हम पिंक कलर को भी यहाँ पे थोड़ा सा हम इसका माइनस की तरफ रखते हैं, देन यहाँ पे परफेक्ट है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे इसके बाद जो है हम थोड़ा सेचुरेशन बढ़ा लेते हैं पर्पल कलर का, देन उसके बाद करते हैं डन। फिर इसका चलेंगे कलर ग्रेडिंग वाले टूल में, ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे जो है इसका ये ओपन कर लेते हैं एंड इसके बाद सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे हाईलाइट्स में। हाईलाइट्स में जाने के बाद हम जो पहले ह्यू जो है इसका ह्यू को रखेंगे हम अराउंड ब्लू के आसपास, ठीक है। फिर सेचुरेशन थोड़ा इंक्रीज करेंगे एंड बाकी येलो के पास भी करके देख लेते हैं एक बार, ये हाँ ग्रीन के पास ठीक लग रहा है, ठीक है। तो ग्रीन रख लेते हैं और उसके बाद चलते हैं मिड टोन में। मिड टोन में जाने के बाद क्या करेंगे हम यहाँ से इसका सेचुरेशन भी बढ़ा देंगे एंड जो इसका ह्यू है इसको हम ब्लू के आसपास रखते हैं, ये ग्रीन पे रख लेते हैं इसको भी, नहीं नहीं ब्लू ही ठीक है, ब्लू पे रख लेंगे, ठीक है परफेक्ट है यहाँ पे। अब इसको करते हैं डन। अब उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ से चलेंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, फोटो की जो क्लियरिटी बढ़ाएंगे पहले तो, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमने बढ़ा दिया। अब उसके बाद जो यहाँ पर विग्नेट है विग्नेट को थोड़ा सा माइनस की तरफ करते हैं, परफेक्ट है। अब यहाँ पर क्या करेंगे मिड टोन जो है इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं एंड जो फीदर इसको इंक्रीज़ कर देंगे एंड नीचे वाले टूल में जाएंगे, फोटो की शार्पनेस इंक्रीज़ करेंगे, परफेक्ट एकदम हो गया। यहाँ पे जो हमारी फोटो जो है यहाँ पे अब इसका हम नॉइज रिडक्शन बढ़ा देते हैं, कलर नोटिक्स भी बढ़ा देते हैं। तो फाइनली गाइस हमारी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए मिलता हूँ सबसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।